दुनिया के तमाम मुल्क मेडिकल एक्सपर्ट्स शुरू से कोरोना वायरस वाली साजिश के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराते आ रहे हैं। यह तक आशंका जताई गई है कि चीन की वुहान वायरोलॉजी लैब में घातक विषाणु को बनाया गया और उसी वुहान लैब से वायरस लीक किया गया, जिसके चलते दुनिया के कोने कोने में कोरोना त्रासदी हुई। हालांकि चीन की चालबाजियों की वजह से अब तक इस थ्योरी से जुड़ा कोई पुख्ता सबूत दुनिया के सामने नहीं आ पाया, लेकिन पहली बार किलर कोरोना की लैब थ्योरी की गुत्थी सुलझती दिख रही है और अब चीन बेनकाब होने वाला है। इस रिपोर्ट में देखें कैसे। ड्रैगन जो दुनिया के लिए कोरोना विलेन है, जिसकी वुहान लैब से निकले वायरस ने दुनिया में कोहराम मचा दिया। अस्पताल से शमशान तक शवों के ढेर लग गए, एक एक सांस के लिए करोड़ों लोग तरसे। सड़कें सुनी हो गई, शहरों में सन्नाटा पसर गया, लेकिन पिछले दो साल में चीन के खिलाफ कोरोना चार्जशीट की एक दमदार रिपोर्ट तक सामने नहीं आई। कोरोना की वुहान थ्योरी से जुड़े सबूत तक सामने नहीं आए। इंतजार था ड्रैगन कंट्री के खिलाफ कुछ ऐसा खुलासा हो जिससे बीजिंग की सरकार कटघरे में खड़ी हो जाए, चीन के खिलाफ बड़े एक्शन का ऐलान हो। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। कई बार तो दुनिया के बड़े वैज्ञानिकों ने किलर कोरोना की वुहान थ्योरी को ही बेबुनियाद करार दिया और यह दावा किया कि कोविड 19 का विषाणु वुहान लैब से लीक नहीं हुआ है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। आधा सच यह है कि अब तक की हिस्ट्री और वुहान लैब की मिस्ट्री से जुड़ा कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन अब पूरी सच्चाई सामने आने वाली है। घातक विषाणु के वुहान लैब से जुड़े जिस सबूत की तलाश थी वो सबूत मिल गया है। जिनपिंग की कोरोना साजिश का सुपर एक्सक्लूसिव लिंक हाथ लगा है, कैसे बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चार बात समझ लीजिए। अब तक कोविड 19 के कृत्रिम होने की आशंका है। चीन में वुहान लैब से वायरस की उत्पत्ति की आशंका खत्म नहीं हुई है। पहले से मौजूद वायरस का डीएनए बदलने की आशंका है। जानवर से इंसानों में वायरस का संक्रमण हुआ होगा। हालांकि ये चारों बातें जैसे ही सामने आए वैसे ही चीनी लॉबी एक्टिव हुई और कोरोना वायरस को लेकर गलत जानकारी फैलाने के आरोप लगाए। लेकिन ताइवान से आई एक ताजा रिपोर्ट ने चीन की वायरस साजिश की परतें खोल दी हैं। दावा है कि कोरोना वायरस ताइवान की एक हाई सिक्योरिटी लैब से लीक हुआ। इस लैब में काम करने वाली एक 20 साल की महिला को कोरोना संक्रमित चूहे ने काट लिया और पहली बार ताइवानी स्वास्थ्य अधिकारियों ने लैब लीक की बात कही है। गुरुवार को ही इस महिला का कोरोना टेस्ट किया गया जिसमें वो संक्रमित पाई गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि महिला ने हाल फिलहाल विदेश यात्रा नहीं की और वो किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में भी नहीं आई जो संक्रमित था। इसका सीधा मतलब ये माना जा रहा है कि लैब ही वायरस का सोर्स रहा है। महिला लैब की वजह से ही संक्रमित हुई है। अब इस रिपोर्ट से चीन की शामत आ सकती है, क्योंकि कोरोना वायरस की वुहान थ्योरी पर दुनिया के कई मुल्क पहले ही मुहर लगा चुके हैं। यहां तक की खबर ऐसी भी है कि WHO घातक विषाणु की वुहान थ्योरी को कुछ हद तक सही मानता है। और अब जब ताइवानी हाई सिक्योरिटी लैब से कोरोना वायरस के लीक होने की पुष्टि हो गई है, इसके बाद चीन की मुसीबत और ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस बात को बल मिल रहा है कि कोविड 19 असल में वुहान में मौजूद लैब से ही लीक हुआ होगा और फिर इसने महामारी का रूप धारण किया। कोरोना का पहला केस वुहान में ही सामने आया था। ताइवान के रोग नियंत्रण संस्थान के प्रमुख चेन शिचुंग का कहना है कि महिला ताइवान के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट एकेडेमिया सिनिका के भीतर बायोलैब में काम करती है। वायरस की चपेट में आने से पहले उसे कोरोना संक्रमित चूहे ने दो बार काटा। जल्द ही उसमें कोरोना के लक्षण दिखाई दिए जब उसने खांसी होने की जानकारी दी। ये खांसी अधिक बढ़ गई जिसके बाद उसने PCR टेस्ट करवाया। 9 दिसंबर को रिजल्ट आया जिसमें महिला कोरोना संक्रमित पाई गई। ये खुलासा चीन के उन सभी दावों को खारिज करता है जिसमें वो लैब लीक की बात को नकारता है। संभव है कि खुलासे के बाद WHO एक बार फिर घातक विषाणु की सबसे सनसनीखेज मिस्ट्री का पर्दाफाश करने के लिए अपनी टीम वुहान लैब भेजे।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।